भारत बंद के दौरान हुई हिंसा में सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य मध्य प्रदेश में तनाव अभी बरकरार है। कई जिलों में अभी भी कर्फ्यू लगा हुआ है और सुरक्षा बल सड़कों पर मार्च कर रहे हैं। भारत बंद के दौरान ग्वालियर, भिंड और मुरैना के 11 थाना क्षेत्रों में लगा कर्फ्यू तीसरे दिन भी जारी है। बुधवार की सुबह ग्वालियर में 2 घंटे कर्फ्यू की ढील दी गई और फिलहाल अर्धसैनिक बल के जवान सड़कों पर फ्लैग मार्च कर रहे हैं। ग्वालियर में 31 घंटे के बाद इंटरनेट सेवा बहाल की गई है, लेकिन मुरैना और भिंड में ये पाबंदी जारी है। भिंड में महावीर राजावत नाम के शख्स की मौत के बाद 2 पुलिसकर्मी सुल्तान राठौड़ और रामकुमार दोहरे पर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था, लेकिन मंगलवार को यहां एक और शख्स दशरथ जाटव की भी मौत हो गई। दशरथ भी भारत बंद के दौरान गोली का शिकार हुआ था। दशरथ के साथ राज्य में मौतों का आंकड़ा 8 पहुंच गया है। वहीं मुरैना में जब पुलिस सड़कों पर फ्लैग मार्च कर रही थी तभी उस पर पथराव हो गया। इसके बाद मुरैना में 50 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दूसरी ओर राजस्थान के करौली में दलित MLA राजकुमारी जाटव का घर जलाने के बाद से यहां भी तनाव है और कर्फ्यू बरकरार है। शहनवाज मलिक की रिपोर्ट, गो न्यूज़।